दो तरह की शर्ट्स, ये दो तरह की शर्ट्स चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो मर्जी हो, सब पे सूट करेगी और सब पे कूल लगेगी। हाय गाइस, मेरा नाम है वरदान और ये चैनल है स्टाइलिंग, फैशन, ग्रूमिंग और सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड। देखो भाई, सब गर्मी में हम सबसे ज्यादा क्या पहनते हैं? टी शर्ट पहनते हैं। मतलब टी शर्ट हमारी इतनी फेवरेट चीज है ना, गर्मियों में हर किसी को देखो वो टी शर्ट ही पहनता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं टी शर्ट के साथ, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दो ऐसी कौन सी टी शर्ट है जो आपको लेनी चाहिए। जो दो टी शर्ट है वो है फर्स्ट ब्लैक, सेकंड व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो जो ब्लैक और व्हाइट है ना, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इनमें पैटर्न हो गया, लोगो हो गया, वैसी वाली टी शर्ट पहनते हैं। गर्मियों में सभी टी शर्ट पहनते हैं, जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। लेकिन भाई साहब यार, वो लोगो वाली टी शर्ट पहनते हैं, लोगो वाली, और जिसमें पैटर्न्स होते हैं, और पैटर्न भी बहुत ही बेकार वाले पैटर्न्स होते हैं यार। मतलब आप पहनने लायक नहीं है। ब्लैक और व्हाइट हमारी टी शर्ट है, प्लेन होनी चाहिए। जैसे ये पहन रखी है मैंने, ब्लैक और व्हाइट बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, उनमें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, अगर हो सके तो आप प्लेन ही पहनिए, ये सबसे अच्छा लगता है, सबसे सुपीरियर लुक लगता है। ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट कौन सी होनी चाहिए? ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट होनी चाहिए 100% कॉटन की। 100% कॉटन की टी शर्ट होगी, आपकी स्किन गर्मियों के टाइम पे ब्रीथ करेगी, सांस आएगी उसको, सांस सांस में तेरी सांस आई तो आगे क्या था गाना, मैं भूल गया। ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि ये जो ब्लैक है, ये जो व्हाइट है, ये मैच करती है हर जीन्स के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर व्हाइट पैंट पहन रखा है और नीचे भी व्हाइट जीन्स पहनो, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। आपको अपोजिट करना पड़ेगा, जैसे ऊपर ब्लैक पहन रखा है नीचे ब्लू जीन्स चल सकती है, और जैसे व्हाइट है तो व्हाइट के साथ ब्लू जीन्स चल सकती है। ये बहुत मैच करती है यार, बहुत कूल लगती है, इसलिए तो मैंने आपको ये बताई है यार कि दो तरह की टी शर्ट, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि करेक्ट साइज जरूर होना चाहिए टी शर्ट का, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, और उसमें आप लोगों के बिल्कुल बढ़िया। जैसे कि मैंने टी शर्ट पहन रखी है, आप देख सकते हो, ये ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है, लेकिन ये जो है ये हमको कूल बना रही है, और हम पैदाइशी भी कूल है थोड़ा सा, लेकिन कूल बनाएगी आपको यार टी शर्ट व्हाइट ब्लैक। एक और व्हाइट टी शर्ट तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि भाई साहब कैजुअल क्लोथिंग जब गर्मियों में पहनते ना, टी शर्ट नीचे से जीन्स स्नीकर, सुपर कूल सेक्सी, मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं। ठीक है, मैं लेके आता हूँ डिक्शनरी लेके आता हूँ। ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट तो मैंने आपको बता दी, मैंने आपको लेकिन ये नहीं बताया कि ये हर किसी स्किन कलर को जचती है, काले हो गोरे हो जैसे मर्जी हो आप। वैसे काले गोरे का कोई फर्क नहीं होता यहाँ पे, कोई हम ऐसे चीजें नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आपका रंग जैसा भी है, आपका रंग थोड़ा सांवला है, आपका रंग बहुत गोरा है, ये मैच करेगी, बहुत मैच करेगी और सबसे ज्यादा कूल लगेगी यार। ब्लैक और व्हाइट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो ब्लैक और व्हाइट है, ये दोनों कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाएंगी, और नहीं गई हैं। तो नहीं है तो पहनो यार, खरीदो यार, ये दो तरह की टी शर्ट आपको जरूर लेनी चाहिए। मैंने आपको अपना रिकमेंडेशन बता दिया, और आपके पास ये दो तरह की टी शर्ट होनी चाहिए क्या? है, ऑलरेडी है, तो पूरा वीडियो भी देखा, अब देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिसके पास नहीं है वो भी लाइक कर दो, वो भी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में आता है बेल आइकन, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दो, ताकि ऐसी कूलिंग वाली नहीं सॉरी कूल टिप्स मैं आपको बार बार बता सकूं, और हम लोग ना मतलब कमाल कर देंगे फिर। तो गाइज अभी तक के लिए चलता हूँ, गाइज जल्दी से कूल बन जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट जल्दी ऑर्डर करो।